जामिया में अब हालात सामान्य है। शाम 7 बजे तक जामिया में प्रदर्शन खत्म कर पूरी तरह से रोड से बच्चे हट चुके थे और रोड पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई थी। वहीं पुलिस सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास अब भी मौजूद है। बता दें कि नागरिकता कानून और NRC के विरोध में जामिया नगर इलाके व मथुरा रोड पर विरोध हुआ था। सोमवार को भी जामिया वेब गेट पर छात्रों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था। रविवार की हिंसा के बाद से प्रभावित इलाकों में लोगों में दहशत है। रविवार को मथुरा रोड पर हुई आगजनी और पथराव की घटनाओं के बाद लोग बेहद ज़रूरी कामों से ही घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं हिंसा से प्रभावित इलाके में कई दुकानदारों ने अपनी दुकान भी बंद रखी है। मथुरा रोड पर हुई हिंसा के बाद NFC, जामिया नगर, जाखिर नगर, सुखदेव विहार कॉलोनी आदि के लोग बेहद दहशत में हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने अभी तक ऐसी हिंसा नहीं देखी थी। जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने सोसाइटी में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की, उसके बाद से इलाके में बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। भारी संख्या में इलाके में पुलिस बल भी तैनात किया जा चुका है, जिसके बाद से छोटे बच्चे बाहर निकलने में भी डर रहे हैं।